नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। बिहार पुलिस की ओर से एक नई भर्ती सूचना जारी कर दी गई है, जिसमें 12वीं पास महिला पुरुष भी आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ दिव्यांग और थर्ड जेंडर को भी मौका दिया गया है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं, सैलरी कितनी है, हाइट, चेस्ट और फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है। इसके साथ साथ और भी जितने भी सिलेबस वगैरह सारा कुछ है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। कल से यानी 19/12/2021 को ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगी। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये भी देखेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। और चलिए देखते हैं पूरी डिटेल क्या है। पूरी डिटेल देखने के लिए दोस्तों आप ऑफिशियल वेबसाइट को भी ओपन करके देख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे गूगल में सर्च किया गया है CSBC वेबसाइट, ठीक है, csbc.bih.nic.in। इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए, बिहार पुलिस की ऑफिशियल ये जो है वेबसाइट है, भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर भी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको अभी दिखाऊँगा, पहले इसे देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके का ओपन होता है। आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो आपका प्रोविजन डिपार्टमेंट है इसी पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए अब जो है नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रही होगी। 17/12/2021 को ये नोटिफिकेशन आई है। विज्ञापन संख्या 2/2021 है। सिलेक्शन ऑफ प्रोविजन कांस्टेबल इन जो है मद निषेध विभाग में, एक्साइज विभाग में आपका ये भर्ती निकाली गई है गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो इसको क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप, मैं यहाँ पे देखिए डाउनलोड करके मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इस पर क्लिक करिएगा तो ये डाउनलोड हो जाती है। देखिए डाउनलोड पे ये लग चुका है और ये डाउनलोड होने में हो सकता है एक दो मिनट का समय ले ले, क्योंकि वेबसाइट थोड़ी सी स्लो है। तो ये डाउनलोड हो रहा है। तो ये देखिए ये ओपन हो रही है, डाउनलोड हो चुकी है, अब ये ओपन हो रही है। तो ओपन होने के बाद आपके आपके सामने पूरी की पूरी सूचना पीडीएफ फाइल में आपको मिल जाती है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे पूरी की पूरी सूचना दिखाई गई है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, सबसे पहले मैं यहीं पे दिखा देता हूँ, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही पद वर्तमान वेतनमान लेवल 3 21,700 से 53,000 रुपये की सैलरी होगी। कि रिक्तियों की 365 संख्या दिखाई गई है, 365 पदों पे ये भर्ती निकाली गई है। अब मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका दिखाता हूँ जहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसी वैकेंसी है और कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल मैं आपको दिखा देता हूँ। या फिर दोस्तों आप rozgarbihar.com पे भी आके सारी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको बिहार जॉब सेक्शन में मिल जाएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2021-22। तो इसी पे क्लिक करके आप पूरी डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने पूरी की पूरी सूचना जारी कर दी गई है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती 2022 और ये आपका पोस्ट डेट जो है 17/12/2021 को ही आया था। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वैकेंसी जो डिटेल है वो है मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में मद्य निषेध सिपाही के कुल 365 पदों पर CSBC केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती ने नया विज्ञापन भर्ती सूचना जारी कर दी है, जिसमें बिहार एवं भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। विस्तृत जानकारी नीचे दिखाई गई है। तो यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो इम्पोर्टेंट डेट्स में आप देख पा रहे होंगे 19/12/2021 से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगी और ऑनलाइन की लास्ट डेट जो है 18 जनवरी 2022 होगी, ठीक है। 18 जनवरी 2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं और लास्ट डेट जो होगा पेमेंट फीस का वो होगा 18 जनवरी 2022। अब एग्ज़ाम डेट की बात करें दोस्तों तो ये इसकी सूचना बाद में आपको बताई जाएगी, ठीक है। बात करें एप्लीकेशन फीस डिटेल की तो जनरल EWS OBC मेल कैंडिडेट BC EBC जो है उन लोगों को यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 675 रुपये लगेंगे, ठीक है। वहीं बात करें जनरल EWS BC EBC महिला कैंडिडेट को 180 रुपये लगेंगे। वहीं बात करें SC ST और दिव्यांग मेल फीमेल जितने भी कैंडिडेट हैं उन लोगों को 180 रुपये लगेंगे। पेमेंट मोड जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं। सैलरी मैंने शुरू में ही दिखा दिया है,
21,700 से 53,000 रुपये आपकी सैलरी इसमें मिलने वाली है। और एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2021 को, जी हाँ दोस्तों 1 जनवरी 2021 को जनरल और ईडब्ल्यूएस महिला और पुरुष दोनों की उम्र जो है 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं बात करें बीसी ईबीसी कैंडिडेट ओबीसी कैंडिडेट को, तो यहाँ पे दिखाया गया है 18 से 27 वर्ष के जो होंगे बीच में वो उनका आवेदन कर सकते हैं। वहीं बात करें बीसी ईबीसी ओबीसी फीमेल कैंडिडेट की, तो 18 से 28 वर्ष दिखाई गई है। और वहीं एससी एसटी महिला और पुरुष दोनों के लिए 18 से 30 वर्ष तक की एज वाले आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो पद जो है आपका देख पा रहे होंगे बिहार मद निषेध सिपाही बिहार प्रोविजन कांस्टेबल 365 सीटों पे ये वैकेंसी है। और 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। और बता दें कि अदर स्टेट वाले भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से हैं आप आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसी डिटेल आप देख पा रहे होंगे जनरल के लिए यहाँ पे सीटें दिखाई गई हैं, EWS और EWS के लिए यहाँ पे सीटें दिखाई गई हैं, इधर महिला की है, ठीक है। इधर महिला के लिए जो 35% बिहार में आरक्षण है उसके अनुसार इधर सीटें दिखाई गई हैं। और यहाँ पे SC ST और अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC और BC के लिए यहाँ पे, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं या BC की महिलाओं के लिए 13 सीटें अलग से दिखाई गई हैं। तो टोटल जो है आपका 365 सीटें दिखाई गई हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें दोस्तों तो रिटेन एग्जाम ली जाएगी और फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा। फिजिकल टेस्ट में दिव्यांगों को छूट दी गई है, ठीक है, दिव्यांगों को फिजिकल टेस्ट नहीं लगेगा। और वहीं बात करें आगे हाइट और चेस्ट की, तो ये जो है दिव्यांगों को नहीं देना है। तो यहाँ पे जनरल EWS एंड BC पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट है और EBC SC ST मेल कैंडिडेट पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर है और सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। और ये वहीं बात करें चेस्ट की, जो सिर्फ पुरुषों के लिए होगा ओनली मेल कैंडिडेट के लिए, तो जनरल EWS BC EBC कैंडिडेट जो होंगे उनको 81 से 86 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का अंतर जो है फुलाकर होना चाहिए, एक्सपेंडेबल 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वहीं बात करें SC ST की, तो 79 से 84 सेंटीमीटर जो है चेस्ट कम से कम होना चाहिए। और वजन की बात करें दोस्तों तो महिलाओं के लिए रखा गया है कि 48 किलो से कम नहीं होना चाहिए महिलाओं का वजन। और आपको विस्तृत जानकारी के लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखनी होगी, अगर सिलेबस डाउनलोड करना है तो यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं बात करें नोटिफिकेशन की दोस्तों, तो नोटिफिकेशन में और भी कुछ जो है कितनी दौड़ है, कितने अंक मिलेंगे, ये सब जानकारी के लिए अब मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है तो यहाँ से भी जा सकते हैं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं कि चयन प्रक्रिया में क्या क्या और दिखाया गया है। रिटेन एग्जाम की बात करें दोस्तों, तो रिटेन एग्जाम में आप देख पा रहे होंगे लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा के समकक्ष होगा और इसमें जो है लिखित परीक्षा में 100 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र जो है 2 घंटों का होगा। एक प्रश्न पत्र में कुल 100 क्वेश्चंस वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और इसके साथ साथ जो है आपका 1 अंक दिया जाएगा एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। OMR बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होगी, ऑफलाइन होगा। आप लोगों को पता ही होगा बिहार पुलिस जो है ऑफलाइन ही एग्जामिनेशन लेती है और कैसे लेती है ये सभी को पता ही है। और लिखित एग्जामिनेशन में जो है आपका क्या क्या पूछा जाएगा आप देख सकते हैं, पैटर्न यहाँ पे आपको दिखाई गई है। 10वीं कक्षा के अनुरूप जो है आपका सबसे पहले हिंदी रहेगा, अंग्रेजी रहेगा, गणित रहेगा, सामाजिक विज्ञान रहेगा। सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र आपको पूछी जाएगी। इसके साथ साथ 5वें में आप देख पा रहे होंगे विज्ञान में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चंस रहेंगे और जीव विज्ञान से वगैरह से क्वेश्चंस रहेंगे और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। और इसके साथ साथ समसामयिक मामले के यानी करंट अफेयर्स भी कुछ एक दो क्वेश्चन भी देखने को मिल सकती है। लिखित परीक्षा में कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है और ऐसा देखा गया बिहार पुलिस में 30% का बिना 50% के नीचे तो होता ही नहीं है रिजल्ट। वहीं बात करें कि जो सेकंड लेवल होगी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा वो आप देख पा रहे होंगे शारीरिक योग्यता में कुल दिखाई गई है। दौड़ जो होगी अधिकतम 50 मार्क्स का दौड़ होगा, देख सकते हैं 1 मील की 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी। 6 मिनट में कम से कम आपको दौड़ जाना है अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। वहीं अगर आप 5 मिनट में इसे कंप्लीट कर लेते हैं 1.6 किलोमीटर
5 मिनट में अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको 50 नंबर दिए जाएंगे, और वहीं 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक का समय लेते हैं तो आपको 40 अंक मिलेंगे, और वहीं 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड से तक अगर समय लेते हैं तो आपको 30 अंक मिलेंगे, 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तक अगर आप समय लेते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे, अगर आप 6 मिनट से ज़्यादा समय लेंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई असफल घोषित कर दिया जाएगा। वहीं बात करें दोस्तों महिलाओं की, तो सभी कोटि की महिलाओं को देख सकते हैं 1 किलोमीटर की दौड़ ली जाएगी जो 5 मिनट में कंप्लीट करनी है, 5 मिनट से ज़्यादा समय लेने वालों को असफल डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और अगर आप 4 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे तो आपको 50 अंक मिलेंगे, 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक के समय के लिए आपको 40 अंक मिलेंगे, 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकंड तक समय लेंगे तो आपको 30 अंक मिलेंगे, और वहीं 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट तक में अगर आप दौड़ कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे, लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा समय लेने वालों को डिस्क्वालीफाई असफल घोषित किया जाएगा। और सेकंड जो है आप देख पा रहे होंगे गोला फेंक है जो अधिकतम 25 अंक का निर्धारित किया गया है सभी कोटि के पुरुषों के लिए, ऑल कैटेगरी मेल कैंडिडेट के लिए 16 पाउंड का गोला होगा, 16 फीट फेंकनी है जिसमें आप देख पा रहे होंगे 16 फीट से 17 फीट फेंकने पर आपको 9 अंक मिलेंगे, 17 फीट से 18 फीट तक फेंकने पर आपको 13 अंक मिलेंगे, और वहीं 18 फीट से ज़्यादा एवं 19 फीट तक आप अगर आप फेंकते हैं तो आपको 17 अंक मिलेंगे, वहीं 19 फीट से ज़्यादा एवं 20 फीट तक अगर आप गोला को फेंक देते हैं तो आपको 21 अंक मिलेगा, और 20 फीट से ज़्यादा अगर आपने गोला को फेंक दिया तो आपको 25 अंक दिए जाएंगे, 16 फीट से कम फेंकने वालों को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। और महिलाओं के लिए आप देख पा रहे होंगे 12 पाउंड का गोला कम से कम 12 फीट आपको फेंकनी है, महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 12 फीट, और वहीं आप देख पा रहे होंगे 12 से 13 फीट तक फेंकने पे आपको 9 अंक मिलेंगे, 13 फीट से 14 फीट तक 13 अंक, और 14 फीट से ज़्यादा एवं 15 फीट तक आप फेंकेंगे तो आपको 17 अंक मिलेंगे, 15 फीट से ज़्यादा एवं 16 फीट तक आप 21 अंक मिलेगा, 16 फीट से ज़्यादा फेंकेंगे तो आपको 25 अंक मिलेगा, लेकिन 12 फीट से कम नहीं फेंकना है। ऊंची कूद भी रखी गई है, आप देख पा रहे होंगे हाई जंप के लिए 4 फीट दिखाया गया है पुरुषों के लिए, ठीक है 4 फीट कम से कम आपको पार करनी होगी और 13 अंक मिलेंगे, अगर 4 फीट 4 इंच अगर पार करते हैं तो आपको 17 अंक मिलेंगे, 4 फीट 8 इंच के लिए 21 अंक मिलेंगे, और 5 फीट अगर आप पार कर लेते हैं तो 25 अंक आपको दिए जाएंगे, 4 फीट से कम पार करने वालों को डिस्क्वालीफाई घोषित किया जाएगा। महिलाओं के लिए थोड़ा सा राहत दिया गया है कि महिलाओं को कम से कम 3 फीट आपको पार करना है, महिलाओं को 3 फीट के लिए आपको 13 अंक मिलेंगे, और 3 फीट 4 इंच के लिए 17 अंक मिलेंगे, 3 फीट 8 इंच के लिए 21 अंक मिलेंगे, और 4 फीट अगर आप पार कर लेते हैं तो 25 अंक मिलेंगे, लेकिन 3 फीट से कम कूदने वाली महिलाओं को असफल घोषित किया जाएगा। तो ये थी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, और इसमें दिव्यांगों को छूट दिया गया है, दिव्यांगों को कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं लिया जाएगा, और इसके साथ साथ जो भी सारे परीक्षाएं पास कर लेंगे उन लोगों को मेधा सूची बनाई जाएगी, और जिनके अंक ज़्यादा होंगे उनको पहले जो है चयन में भाग लिया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आपका दिखाया गया है कौन से पद में कितनी कौन से कैटेगरी में कितनी सीटें दिखाई गई हैं, देख पा रहे होंगे, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और ज़्यादा कुछ विशेष इसमें दोस्तों है नहीं कि मैं इसमें बताऊं, तो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए, और ऑफिशियल वेबसाइट आप देख पा रहे होंगे csbc.bih.nic.in, और रोजगारबिहार.com पे लगातार आप लोगों को सूचनाएं प्राप्त करवाई जा रही हैं, तो रोजगार बिहार पे भी आते रहें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।